हाय दोस्तों, दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने जो है अपनी नई स्कूटर लॉन्च की है, जिसका नाम है होंडा वेरियो 160 cc। इसे जो है इंडोनेशिया के मार्केट में दो ट्रिम में पेश किया है, ABS और डुअल चैनल ABS दिया गया है। ये सीरीज की जो शुरुआत है वो 2006 में ही जो है कंपनी की तरफ से की थी। कीमत की अगर हम बात करें तो होंडा वेरियो 160 cc की जो कीमत है दो मॉडल में आती है, तो इसमें CBS मॉडल की कीमत जो है 1,30,000 रुपये है, वही डुअल चैनल वाली की जो कीमत है वो 41,000 है। स्कूटर की बात करें तो इसमें बड़े ही शार्प डिज़ाइन के साथ में आता है। इसका डिज़ाइन जो है पुराने मॉडल्स वेरियोस की तुलना में काफ़ी बड़ा है। सामने की तरफ इसमें जो है ट्विन बीम LED हेडलैम्प दिए गए हैं, जो कि LED DRL आईब्रो के साथ में आते हैं। लुक देने के लिए इसकी जो है खास तरह का डिज़ाइन इस्तेमाल किया गया है। इसमें एग्जॉस्ट मफलर, एलॉय व्हील्स और रियर व्यू मिरर के भी दिया गया है। इस स्कूटर में जो है डुअल टोन का इस्तेमाल किया गया है। फीचर्स की बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ में आता है। इसमें 18 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है। इसमें USB चार्जर और डिस्क ब्रेक भी मौजूद है। डिस्प्ले पर जो है मीटर, फ्यूल लेवल और औसतन फ्यूल इकोनॉमी का भी जानकारी दी गई है। इंजन की बात करें तो 160 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है, जो कि 15 BHP की पावर जनरेट करता है। साथ ही में 13.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो स्कूटर को जो है बेहतरीन ड्राइविंग देता है। होंडा वेरियो 160 cc में जो है 14 इंच के एलॉय व्हील का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 1980 के जो है सेक्शन टायर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही में कंपनी ने बेहतरीन हैंडलिंग के लिए इसमें कई फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें डुअल चैनल ABS भी मिलता है। फिलहाल तो ये जो है स्कूटर बाहर के देशों में उपलब्ध है, और आने वाले समय में ये भारत में भी बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। तो इस स्कूटर के बारे में आपका क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह के नए प्रोडक्ट की जानकारी के लिए।